साथियों नमस्कार। जैसा मैंने आज की पहली वीडियो बनाई जो बेड पर गेहूं और चना मिक्स और दो गन्नों के लाइन के बीच में चना बो दिया है, लेकिन हम नाली भी खाली नहीं छोड़ेंगे जहां पानी देंगे। अब नाली में मेथी लगाई जा रही है, ये आप देखिए, वो भी हाथ वाली बिजाई की मशीन से। ये देखिए सफलतापूर्वक मेथी की बिजाई। और ये हमारा छोटा बेटा है, इसने बीएससी एजी की पढ़ाई की है, रूरल डेवलपमेंट का भी काम किया है, डिप्लोमा किया है और सुभाष पालेकर कृषि में भी इसका पूरा पूरा योगदान रहता है। सारी बिजाई हम इसी मशीन से दोनों मिलकर कर लेते हैं सफलतापूर्वक। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मशीन अपनी ही बनी हुई है, कुछ किसानों को भी हमने बना बना के दी है। ये सुभाष पालेकर जंगल मॉडल, ये देखिए, ये अरहर है, ये केला है, ये सहजन है, ये हमारी गाजर लगी हुई है, देखते जाइए सब में लगी हुई है, ये अमरूद लगा हुआ है, कितने बढ़िया पौधे चल रहे हैं। इधर मूली और तरह तरह की सब्जियां, पालक, रेडिश, सब कुछ लगा हुआ है। इसको ध्यान से देखिए, केले, पपीते, सहजन, सारी चीज़ें। और देखिए बैलों से जुताई हो रही है, ये देखिए। लागत विहीन, प्रदूषण विहीन खेती। लियो वावगड़ानी अंदर अमारा बधा मित्रों दोस्तारो आव्या छे સૌરાષ્ટ્રથી વિઝિટ લેવા માટે, અને પપૈયા ઉતારે છે, ઉતારો પેલું ભૂપનને ઉતારી લ્યો। આ પપૈયું લગભગ કેટલા કિલોનું છે લાલભાઈ? અરે હરેશભાઈ, 2 કિલો 2 કિલોનું છે એમ? બરાબર, સરસ સરસ, ઉતારો ઉતારો ઉતારો। તમે આગળ અહીંયાથી પપૈયા લઈ ગયા છે અને ખાધા છે, કેવા લાગ્યા? એક નંબર એક નંબર એમ, સરસ। બીજું હું લઈ ગયા હતા આગળ, સુભાષ પાલેકર કૃષિ સંશોધન કેન્દ્ર વાવગડો, વાવગડો સુરત, હૈદરાબાદ પાકલા ઓલપાડ, સરસ ગામ, જોરદાર વાવગડો, ઉતારી લ્યો, બગડી નહીં જાય, ઉતારો તો તમારે બગડે, હા ઉપર રે તે હારા રે, હા એ રેવા દો, તમારે તમારા પૂરતા લઈ લ્યો, હા તમારે જેટલા લેવાના હોય એટલા ઉતારી લ્યો, જો આ ઉતારી લ્યો, જો આ લગભગ 2 કિલો ઉપરનું પપૈયું છે, 1 ફૂટ લાંબુ, ઉતારી લ્યો। વાવગડાની અંદર શેરડી, પપૈયા, કેળા, અંજીર, સરગવો, ચમરૂક, દાડમ, અદ્ભુત ચાલી રહ્યું છે। અને આ જો કેટલું લાંબુ છે ભાઈ, માપો, વેત માપો, આમ લાવો નજીક, મારો મેત, હા 1.5 ફૂટનું છે પપૈયું। આ સુભાષ પાલેકર કૃષિનો ચમત્કાર છે મિત્રો, ઢગલા બંધ પપૈયાઓ અને કેળાઓ છે, અને અહીંયાથી જ બધા મિત્રજનો લઈ જાય છે માર્કેટમાં। આજ દિન સુધી જવું પડ્યું નથી, આ છે વાવગડાનો કમાલ, અદ્ભુત મોડલ, અદ્ભુત મોડલ, ફૂટ ફોરેસ્ટ, જબરજસ્ત અદ્ભુત, ખારપાટની અંદર ચારે બાજુ ખારું પાણી, ખારો પટ, અને અદ્ભુત મોડલ એની વચ્ચે, જોરદાર મોડલ છે, જોઈ શકો છો 100 થી વધારે વેરાયટી છે ફ્રૂટ્સની, 100 થી વધારે વેરાયટી,
अस्तु किसान मित्रों, अस्तु। आ लोग बधा पपैया लई जशे आजे। लोकां ने एटला पपैया भावे छे। देखिए विकल्प फार्म पे एसपीके खेती, ये है असली एसपीके। इसमें सारी प्रकार की चीजें उगाई जा रही हैं। ये हमारा बांस का प्लांटेशन है, करीब 2.5-3 साल का हुआ है। जरा इसकी लंबाई देखिए, 16-16 फुट का हो चुका है। और किल्लों की संख्या देखिए, तो सब तरीके की चीजें लगाई जा रही हैं। पेरिशेबल यानी जल्दी खराब होने वाली, और जो जल्दी खराब नहीं होती हैं। इस प्रकार से खेती को टिकाऊ बनाया जा रहा है। धन्यवाद। खाली जीवामृत और गोबर गैस की स्लरी। धन्यवाद। नमस्कार, मातृ एसपीके फार्म सूरत। मित्रों, आज हम यहाँ पे देसी गुड़ बनाने जा रहे हैं। गन्ना है 86032 रसवंती, इसमें से आज हम जहर मुक्त केमिकल मुक्त गुड़ बना रहे हैं। आज हमारे फार्म पे सूरत के ओलपाड़ तहसील से लता बहन जो है वो हमारे फार्म पे आए हैं। नमस्कार किसान मित्रों। गुड़ बनाने की विधि हमें सिखाने के लिए आए हैं लता बहन जी, और हमारे काम में सहयोग भी कर रहे हैं। लता बहन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मधुर। सुभाष पालेकर जी कहते हैं यह गुड़ धरती का अमृत है। आज हम धरती का अमृत बनाने जा रहे हैं। लता बहन जी से कुछ बात करेंगे हम। लता बहन जी नमस्कार। किसान मित्रों, आज हम राजकुमार भाई के फार्म पे आए हैं। गुड़ बनाने की विधि चालू है। बहुत ही बढ़िया गुड़ बन रहा है, तो मैं गुड़ भी लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे जो ग्राहक वर्ग है उनको अच्छे क्वालिटी का गुड़ चाहिए। तो आप लोगों को भी अगर गुड़ खाना हो पूरा 100% एसपीके का, 100 रुपये किलो भाव है गुड़ का। नमस्ते मित्रों। हमारे गुड़ बनाने की विधि में केवल जंगली भिंडी और खाने वाला चूना, यह दो चीज का ही प्रयोग होता है। बाजार से कुछ लाना नहीं पड़ता है। गुड़ बनाने के लिए जो जलाऊ लकड़ी चाहिए वो भी नहीं लानी पड़ती है, वो भी इसी गन्ने के भूसी में से हो जाता है। और गुरुजी बोलते हैं इस तरह किसानों को आत्मनिर्भर बनना है, तो किसान अपने खेत के ऊपर ऐसा ही गुड़ बना सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत के बनने में अपना योगदान भी दे सकते हैं। अस्तु। भात शेतामध्ये हिरवडी खताचे व्यवस्थापन अशा प्रकारे आपण चिखलणीच्या वेळेस हे ढेंच्या हिरवडीचे खत अशा प्रकारे जमिनीमध्ये चिखलणी करताना गाडून घेत आहोत। या हिरवडीच्या खतांचे धान पिकामध्ये खूप
चांगले फायदे आहेत। पिकांच्या वाढीसाठी नत्राची अवेलेबिलिटी याच्या माध्यमातून होत असते। तसेच जमिनीच्या सेंद्रिय गरबा वाढवण्यामध्ये सुद्धा या ढेंच्यामुळे खूप मदत होते। धन्यवाद।